हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानन को ओडिया बहु यूट्यूब चैनल रे स्वागत करू छी। फ्रेंड्स, व्यक्ति दिन सारा काम करी की थकी जाए एवं जेबे राती की सोई थाए तो सेते बेडे आम जीवन सहित जड़ित बहुत कथा किबा घटना ए सब आम स्वप्न रे घूरी बुले। किंतु जदी राती रे सोइबा परे अन्य व्यक्ति आम पाखरु कोनोसी वस्तु को उठे नै जाए तो आमको जाना पड़े नाही। किंतु स्वप्न रे आमे अन्य कोनोसी एक दुनिया विषय रे देखि थांती जहा कि आमर मने रहि जाए। किछि स्वप्न को देखि आमे खुशी होई थांती किंतु एपरि किछि एमिति भी स्वप्न अछि जहा को देखि आमे डरि जांती एवं आमर निद भांगी जाए। किंतु आपण को मन को केबे एपरि प्रश्न आसीछि कि आपण को एही स्वप्न कोन पई देखा गला, एही स्वप्न पछरे कोन सत्यता लुचि रहिछि। फ्रेंड्स, शास्त्र अनुसारे आपणकर प्रत्येक स्वप्न पछरे किछि ना किछि अर्थ लुचि रहिछि। स्वप्न विषयरे गोटे शास्त्र रहिछि जहा स्वप्न शास्त्र नामरे जणाशुणा। किंतु आजर एही वीडियो रे मु आपणकु कहिबि जदे जणे मृत व्यक्ति आपणक स्वप्न रे आसे ताहार अर्थ कोन। केते थोर मध्य आमे एपरि स्वप्न देखिथिबा जेउ स्वप्न रे आमर ही कोनोसी संपर्कय मृत व्यक्ति आमर स्वप्न रे आसीथांति कौन कहिबा को चाहि थांति आसंतु जानिबा। आपण देखु चंती ओडिया बहु यूट्यूब चैनल। जदि आपण आम चैनल रे नुवा आसी छथि ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल रो आइकन को प्रेस करी नियंतु, कारण भक्ति रे ही असली शक्ति रही थाई। आउ एही बडी भक्ति वीडियो सर्वप्रथमे आपण आम चैनल रे पाई परिबे। फ्रेंड्स, एही वीडियो खास सेही व्यक्ति मानक पई जेउ मानक स्वप्न रे अधिक मृत व्यक्ति माने आसी थांति। कोनोसी खास लोकंकर देहांत होई जाइछि, तमे से दुखरु बाहरी पारुन, घरर कोनोसी सदस्यंकर मृत्यु होई जाइछि, घरर अन्य सदस्य माने सेहि दुखरु शीघ्र बाहरी पारंती नाही। जदि कोनोसी व्यक्ति बेमार रे पड़ी मृत्युबरण करंती, सेहि व्यक्ति आपणक स्वप्न रे सुस्थ देखा दिए तो एहार अर्थ तांकर जन्म कोनोसी भल स्थान रे होइछि। से आपणक एपरि स्वप्न माध्यम रे संकेत देइथांति कि आपण तांक विषय रे भाबी निजको कष्ट दियंतुनि। स्वप्न शास्त्र रे एपरि स्वप्न को आसवासन स्वप्न बोली कुहा जाय। एपरि स्वप्न देखिले आपण प्रसन्न हेबा उचित। आमर पूर्वजंक जन्म कोनोसी भल जागा रे हेइ गला बोली, जदि कोनोसी स्वास्थ्य सदस्यंकर मृत्यु होई जायछि आउ से स्वप्न रे आपणकु बीमारी देखा जाउछंती तो एहार संकेत से आपणकु निजर कोनोसी इच्छा व्यक्त करबाकु चाहूछंती। आपणकु एहा बुझिबाकु प्रयास करबा उचित किंबा आपण एपरि भावंतु कि से मरिबा अगरु तांकर कोनोसी प्रबल इच्छा थिला जहाकु से पूरा करबाकु चाहूथिले किंतु करिपारि नाहंती। जदि आपणकु एही इच्छा जणा अछि तो आपण ताकु पूरण करंतु, एहा द्वारा स्वर्गवासी व्यक्तिंकर आत्मा को स्वर्गति प्राप्त होइथाय। ता सहित आपणक परिवारर मध्य सुख शांति बढ़िथाय। जदि आपणकु जणा थिले मध्य आपण सेही इच्छा को पूरा करंती नाही तो आपणक उपरे संकट आसीथाय। जदि आपणकु कोनोसी जीवित व्यक्ति स्वप्न रे मृत्यु देखा दिए तो आपण डरि जांती। स्वप्न शास्त्र अनुसारे जदि कोनोसी जीवित व्यक्ति स्वप्न रे मृत्यु देखा दिए तो एहार संकेत सेही व्यक्तिर आयु आहुरी अधिक होइगला। हाँ फ्रेंड्स, एपरि स्वप्न लंबा आयुर सूचना देइथाय एवं एपरि स्वप्न को आपण खराब बोली भावंतु नाही। आपण केते थोर देखिथिबे कि आमर स्वर्गवासी आमर स्वप्न रे आमको देखा देइथांति किंतु किछि कथा कहि नथांति, एहाकु आमे बुझि पारंती नाही। मु आपणकु कहि देउछि कि स्वप्न शास्त्र अनुसारे जदि मृत्यु परिजन आमर स्वप्न रे आसंती आउ किछि कुहंती नाही तो एपरि स्वप्न विषयरे कुहा जायछि कि आमर मृत्यु परिजन आमर जीवन रे घटुथिबा गतिविधि विषयरे कहिबाकु प्रयास करुछन्ति। अर्थात जदि आमे कोनोसी भूल काम करबाकु जाउछन्ति किबा भूल काम करबा पई भाबुछन्ति, स्वप्न शास्त्र रे एहा मध्य कुहा जायछि जदि स्वप्न रे आसी आमकु आशीर्वाद दियंति किंतु किछि कुहंती नाही तो एहार संकेत एहा कि आपण जहा भी कार्य करुछन्ति किंबा करबा पई भाबुछन्ति सेथिरे आपणकु शत प्रतिशत सफलता मिलिबो। जदि आपणकु स्वप्न रे सेमाने उदास देखा जांति तो आपण बुझि जांतु कि से आपणक द्वारा करा जायथिबा काम रे प्रसन्न नहंति। आपण सेही काम को शीघ्र छाड़ी दियंतु कारण एहा आपणक पई अशुभ परिणाम आनि देबो, कारण स्वप्न माध्यम रे पूर्वज आमकु आगुआ संकेत देइ देइथांति किंतु आमे एहाकु बुझि नपारी अनेक भूल काम करि देइथांति।
କେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରିଜନ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଆମକୁ କିଛି ବି ବସ୍ତୁର ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଆମକୁ ନିବସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଦରେ ଜୋତା ନଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ଭୋକିଲା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ତ ଏହାର ସଙ୍କେତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ସବୁ ନଥିବାର ଦେଖାଗଲା ଆପଣ ସେସବୁକୁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଦୂର କିଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ତ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ସଙ୍କେତ ଦର୍ଶାଇଥାଏ କି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ନଜର ଦେଖାନ୍ତି ତ ଏହାର ସଙ୍କେତ କି ସେ ପରିବାର ଠାରୁ ମୋହ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛାୟାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଗାଈକୁ ସବୁଦିନେ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ତ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଆମ ନିଜର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବଂଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଦିଏ ତ ଏହା କ'ଣ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।